Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. New friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. फाइनली ये वाला क्लासेस तुम लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, मैं आ गया और एक नया सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग वाला वीडियो के साथ, तुम्हारा भाई ब्रिकादर गेमिंग। तो गाइस, आज का वीडियो कतई खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज मैंने जो टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ, जो चीज़ को लेके सारे के सारे रैंक पुशर्स इतना परेशान है, जो चीज़ को लेके डिमोटिवेट हो रहा है सारे के सारे रैंक पुशर्स, उसके ऊपर डिटेल्स में बात करूँगा। और उसके साथ साथ BGMI को भी एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैच में ज़्यादा से ज़्यादा किल करता है तो उसको इन गेम बैन दे रहा है, लेकिन BGMI में जो हैकर लोग है वो एक मैच में 50 किल 40 किल करने के बाद भी उसको जितना मर्जी तुम लोग रिपोर्ट कर दो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये तो हैकर को भी पता है कि BGMI में हैकर बैन नहीं होता है, तो इसीलिए उन लोग एकदम आराम से हैक लगा के रैंक पुश कर रहे हैं। और जो रैंक पुशर्स मेहनत करके कॉन्करर पुश कर रहा है और उसके साथ साथ स्ट्रगल कर रहा है, उसको अच्छा खासा माइनस देता है और उसके साथ साथ उसको डिमोटिवेट करता है। तो गाइस, आज प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ कि इसी सीजन मैंने कितना सारा हैकर्स को रिपोर्ट किया, और उसके साथ साथ बहुत सारा हैकर को रिपोर्ट करने के बाद भी कोई भी एक सिंगल पर्सन हैकर भी बैन नहीं होता है, तो उसका लाइव प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये वाला हैकर देखो मेरे को मार के चला जाता है, मेरा तो फिलहाल माइनस नहीं होता है क्योंकि मेरा किल ज़्यादा हो गया था, मतलब ठीक ठाक किल हो गया था, तो इसलिए माइनस नहीं लगा, लेकिन मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो उसके बाद मेरा जो प्रोफाइल है उसका जो मेल बॉक्स है उसमें मैंने आ गया, और यहीं पे देखो इतना सारा रिपोर्ट किया मैंने इसी सीजन में किया, मतलब हर मैच में हैकर मिल रहा है, हर मैच में हैकर मिल रहा है। मेरे को भी पता है ये रिपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, रिपोर्ट तो करना पड़ता है, तो इसीलिए रिपोर्ट किया, लेकिन कोई भी मतलब एक सिंगल पर्सन हैकर भी बैन नहीं हुआ। तो गाइस, यहीं पे देखो WP9711737608 ये वाला हैकर को देखो गाइस, ये वाला हैकर एकदम मतलब क्या ही बताऊँ, इसका प्रोफाइल तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को दिमाग ही हिल जाएगा। सोलो में गया और उसके बाद देखो लीडर बोर्ड में 8 नंबर पे बंदा बैठा है। तो गाइस, 8 नंबर पे बंदा बैठा है, और ऐसा नहीं कि बंदा अभी अभी खेला स्टार्ट किया, बंदा बहुत पुराना प्लेयर है और बहुत टाइम से हैक लगा के खेल रहा है। तो उसका प्रोफाइल में जैसे ही क्लिक करता हूँ वैसे ही देखो 16 के आसपास KD मेंटेन कर रहा है, और उसके साथ साथ 39 मोस्ट किल। तो गाइस, ये तो इस सीजन का बात है। तो भाई देखो C3S7 में उसका कैरियर रिजल्ट देखो, तो गाइस C3S7 में उसका KD देखो लगभग 19 का KD, और उसके साथ साथ 42 का मोस्ट किल, और उसके बाद उससे पहले देखो C2S6 में 56 का मोस्ट किल, मतलब समझ रहे हो बंदा एकदम कितना मतलब आराम से रैंक पुश कर रहा है। उसको खुद पता है कि भाई मेरा ID जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से खेलूंगा हैक लगा के, और सारे के सारे हैकर्स लोग ऐसे ही खेल रहे, तो इसके बारे में क्या ही बता सकता हूँ, हम लोग तो सिर्फ रिपोर्ट ही कर सकता हूँ, उसके अलावा हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। तो यही था जितना सारा रिपोर्ट था, मतलब जो करना था मेरे को कर दिया था। तो गाइस, चलो सीधा गेम के ऊपर फोकस करते हैं। और अभी तक मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस जाके सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा भाई बहुत ही मेहनत करता है, और उसके साथ साथ आगे और भी मेहनत करूँगा, तो तुम लोग जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लो।
तो गाइस यहीं पे जॉर्जपुल और सिटी को लेके तूफानी बनता है, तो जोन बहुत दूर था तो इसीलिए गाड़ी उठाता हूँ और मेरा जो लोकेशन है वहीं पे निकलता हूँ। तो फाइनली मेरा जो लोकेशन था वहीं पे मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ और उसके साथ साथ बहुत सारा गाड़ी आसपास से निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं मेरा लूट के ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि रैंक पुश के टाइम पे प्रॉपर लूट होना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके दिक्कत होगा। हेल्थ क्रीट, पेन किलर, सब कुछ, मतलब एकदम सब कुछ अच्छा से लूटना है और पूरा लूट होने के बाद ही फाइट लेना चाहिए। तो मैंने ये वाला घर लूटने के बाद जैसे जंप करता हूँ एक गाड़ी का साउंड आता है, तो बंदा के पास कुछ नहीं था तो बंदा को इजीली ख़त्म कर देता हूँ और बंदा का अच्छा खासा माइनस हो गया। तो शायद बंदा यहीं पे नहीं आता तो बंदा का माइनस उतना ज़्यादा नहीं लगता। तो यहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद और एक गाड़ी मेरे पे आता है, तो ये वाला बंदा को भी स्कारल 6X से इजीली निपटा देने के बाद उसका पेटी थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ। तो उसका पेटी लूटने के बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ और उसके बाद जॉर्जपुल से साउंड आया था तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी लेके सीधा एक राउंड लगाता हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो गाइस जैसे ही ये वाला जगह पे रोटेशन देके आता हूँ वैसे ही मेरे पास फायर आता है। तो मेरे ऊपर फायर आने के बाद मैं गाड़ी यहीं पे वेयर हाउस में लगा लेता हूँ और बंदा को मारने के लिए मैं होल्ड करता हूँ। तो बहुत टाइम होल्ड करने के बाद बंदा मेरे पर पुश नहीं करता है तो मैं ग्रेनेड मॉली ट्राई करने के बाद मैं खुद जाके क्रश कर देता हूँ। तो यहीं पे गेम चोक होने की वजह से बंदा ने इजीली मेरे को मार देता है। तो बंदा के हाथों पे मार खाने के बाद मेरे को और एक जीवन दान मिलता है क्योंकि मेरे पे बीटल था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिवेंज लेने के लिए फिर वही वाला जगह पे जाना था मेरे को, तो इसीलिए मैं ट्रेन से जंप कर देता हूँ और गाड़ी लेके वही पे वही लोकेशन पे चलता हूँ। तो सामने मेरा लैम्बो स्पॉट होता है, बंदा मेरे को मारने के बाद मेरा लैम्बो लेके भाग रहा था तो मैं सीधा उसके सामने जाके गाड़ी रोकता हूँ और देखो गाइस कैसे मैंने बंदा को मारता हूँ। तो बंदा को इजीली मारने के बाद उसका पेटी से मेरा बंदूक सारे के सारे सामान उठाने के बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ और फिर से जॉर्जपुल की तरफ निकलता हूँ। तो गाइस थोड़ा बहुत लूटने के बाद जैसे ही मैंने जॉर्जपुल में आता हूँ वैसे ही दूर से मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है कंटेनर पे। तो गाइस देखो इसके साथ कैसे फाइट करता हूँ। तो ये वाला बंदा को इजीली खत्म करने के बाद थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ और उसके बाद यहीं पे और एक फ्री किल मेरे को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही मैंने गाड़ी में गेट इन कर रहा था उसी टाइम पे और एक फ्री किल मेरे को मिलता है। तो दो बॉट को ख़त्म करने के बाद मेरा 6 किल हो जाता है और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ जोन का जो मिडिल है उसी जगह पे होल्ड करने के लिए, क्योंकि मिडिल अगर होल्ड कर लूँगा तो अच्छा खासा किल के साथ सर्वाइव भी हो जाएगा। तो मैं ए वाला लोकेशन पे आ जाता हूँ लेकिन ए वाला लोकेशन जोन का मिडिल नहीं होता है, लेकिन ए वाला लोकेशन से ना बहुत अच्छा खासा किल्स निकलता है तो इसीलिए मैं ए वाला लोकेशन पे आ जाता हूँ और मेरा गाड़ी में
मतलब थोड़ा बहुत फ्यूल कम था तो इसीलिए गाड़ी पे सबसे पहले रिफ्यूल कर देता हूँ, क्योंकि रैंक पुश के टाइम पे मतलब गाड़ी के ऊपर फ्यूल डालना, फ्यूल कैरी करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्यूल रिफ्यूल करने के बाद जैसे ही मैंने घर के अंदर आता हूँ वैसे ही एक गाड़ी का साउंड आता है, तो बगी वाला को थोड़ा बहुत स्प्रे देने के बाद मैं घर के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि ओपन में रहना सही नहीं होगा, कभी भी किसी साइड से पड़ सकता है। तो बग्गी वाला को स्प्रे देने के बाद जैसे ही मैंने घर के अंदर आता हूँ वैसे ही बग्गी वाला सामने मेरे को स्पॉट होता है और इजीली बंदा को मार देता हूँ। तो गाइस तुम लोग जरूर कमेंट करके बताना ये वाला फायर तुम लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस थोड़ा टाइम यहीं पे होल्ड करने के बाद जोन मेरे से शिफ्ट हो जाता है और सामने वाला जो बंदा को मैंने मारा था तो जोन जैसे शिफ्ट होता है वैसे ही मैं क्या करता हूँ उसका पेटी लूटने के लिए वहीं पे जाता हूँ और वहीं पे जोन था तो इसीलिए वहीं पे थोड़ा टाइम होल्ड कर लेता हूँ। तो गाइस हमेशा जैसा मेरे साथ होता है कभी जोन साथ नहीं देता, तो अभी भी जोन साथ नहीं दिया, जोन मेरे से बहुत दूर निकल गया। तो मैं क्या करता हूँ गाड़ी उठा के मैं जोन के अंदर आता हूँ और पीछे से मेरे पे फायर आता है और सामने भी और एक बंदा का साउंड आ रहा था। तो देखो गाइस बंदा को कैसे मैं मारता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सिरिंज लगा लेता हूँ ताकि हिलफुल हो जाए और बंदा के साथ कैसे फाइट करता हूँ। तो बंदा को दे जिगल करके ख़त्म करने के बाद मेरा 8 किल हो जाता है और लॉबी में 8 बंदा अभी भी लाइव है मेरे को लेके। तो यहीं पे जोन बना हुआ था, मतलब यहीं पे जोन था, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मेरा हिल फुलफिल करता हूँ और उसके बाद ये वाला बंदा का पेटी थोड़ा बहुत लूटने के बाद इसी जगह पर होल्ड कर लेता हूँ। तो गाइस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस स्नेक सर्किल भी मेरे ऊपर बनता है, तो अभी मैं नेक सर्किल का एकदम मिड इन पोजीशन पे हूँ और उसके साथ साथ हाई रीच का एडवांटेज लेते हुए सामने से एक गाड़ी का साउंड आया। जैसे ही एक बग्गी का साउंड आया मैं क्या करता हूँ आगे जाता हूँ और बग्गी वाला को देखो कैसे स्प्रे देता हूँ। तो थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद मैं क्या करता हूँ मेरे पे ग्रोजा था तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ बंदा के ऊपर। तो गाइस तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो जो बंदा के साथ मैं फाइट कर रहा था वो बंदा लॉबी में ही बैन हो जाता है और उसको मैंने इजीली मार देता हूँ और उसके बाद मेरा हेल्थ थोड़ा कम हुआ था तो मैं बैंडेज लगा लेता हूँ और उसके बाद बैंडेज लगाते लगाते एकदम ओपन में जाके ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देता हूँ और वही था मेरा गलती। और बंदा ने मेरे को स्पॉट करता है और इजीली किल कर देता है। तो आज का गेम प्ले गाइस इतना ही था, तो कैसा लगा आज का गेम प्ले जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।